अभी जब मैं आ रही थी तो इमरान जी ने कहा कि वहां पर काफी सारे नौजवान खड़े हुए हैं। मेरा मन है जितने यहाँ नौजवान साथी हैं और जितने भूतपूर्व नौजवान साथी हैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करना बहुत जरूरी होता है। मैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। वो सभी मेरी कोई भी पंक्ति उन्हें अच्छी लगे तो उनकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर आए। सुनेगा चार पंक्तियां खूबसूरत सी रात को समर्पित करती हूँ। स्वागत है नामिका। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। ओहो, ये इसी कोर्स के लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो अभूतपूर्व नौजवान हैं। मतलब ये ना नौजवान है ना भूतपूर्व है, ये अभूतपूर्व है, चिर युवा है, कभी बूढ़े नहीं होंगे। मुझे पता था इमरान बीच में बोलते रहेंगे। मैं इन्हें भी चार पंक्तियां जरूर समर्पित करूंगी। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आई हूँ और मैं हर बात का उत्तर जानती हूँ। चलिए कुछ पहले तो समर्पित करिए। हाँ, बस पंक्तियां ही समर्पित करूंगी, आप ज्यादा के इंतजार में मत रहिएगा। स्वागत है। सुनेगा पंक्ति पूरी करती हूँ, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ और मैं बीच बीच में ये बोलते रहेंगे। इनको इसीलिए हमने इस लाइन से उठाकर यहाँ बिठाया है, साइड में बैठ के बोलेंगे कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है उम्र, इस शहर के लोगों में कोई बात है उम्र, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और इमरान जी, अब मैं आपको भी बता दूं कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त, तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। अनामिका जी, अशोक साहब एक शेर कहते हैं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समंदर लांघना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। तो देखिए इमरान जी, कोई फायदा इसलिए नहीं है, मैं बताऊँ आपके साथ तो ऐसा है कि रामलाल की बारात में जाते हो और श्यामलाल का बैंड अच्छा लगता है तो उसी में नाचने लगते हो। आप ना इनकी तरफ हो ना मेरी तरफ हो, मैं फिर भी यही कहूंगी कि इन सबसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो, कर दे मुझे मदहोश ऐसा कोई जाम नहीं हो, और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। बिल्कुल स्वीकार है। अपना काव्य पाठ बस मैं यही मैं चाह रही थी। कहते हैं कुदरत जो करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। आज आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, बहुत बहुत मन, बहुत बहुत हौसला मुझे चाहिए, सुनिएगा। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास हूँ, तू मेरे पास। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। लोग कहते हैं प्रेम
करना बहुत सरल होता है, उसे निभाना बहुत कठिन होता है। मैं चार पंक्तियों में आपको बताती हूँ प्रेम निभाना कितना सरल हो सकता है। पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ, स्वागत है। मैं चाहूंगी सुनिएगा। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात मैं मान लूं, बात तू मान लूं। बात मैं मान लूं, बहुत अच्छा निमंत्रण है भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। गीत मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ, मेरा मन है मेरे गीत को आपकी तालियों का साथ मिले तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। सुनेगा आपके बीच रखती हूँ। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, प्यार में थोड़ी। हाँ, ये भी ऐसे हैं, ये भी बोलते रहेंगे, बिल्कुल बोलिए। नहीं, आप एक एक करके देखिए, आप एक एक करके सबको न निपटाइए। मैं चुप हो गया तो जरूरी थोड़ी है कि समस्तीपुर वाले भी चुप हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मतलब उनकी अच्छाइयों का क्या बखान करूं, उतना ही जानता हूं जितना आप जानती हैं, इसलिए बस अच्छा कह रहा हूं, मतलब मुंह पे तारीफ करनी पड़ती है। बहुत आप कविता सुनाइए, फैज भाई हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, इनका बड़ा आदेश था कि आपको बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बार बार फैज भाई कर रहे हैं, मैं उन्हें विशेष रूप से प्रणाम कर देती हूँ इमरान जी। और अब मैं आपसे पुनः जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। मेरा मन है यदि आप मेरे गीत को तालियों का साथ देंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, सुनेगा। मेरा मंच से भी यही अनुरोध है, सुनेगा। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। खुद पे खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। यहाँ छोटी सी अव्यवस्था हुई है, मेरा मन है ये, हाँ आगे बैठ रहे हैं, इनको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा है, जल्दी से ये स्थान ग्रहण कर ले, मैं अपना गीत पुनः। नहीं, आदमी सही जगह ही तो बैठेगा, जहाँ से आप बराबर दिखाई पड़े वहीं तो बैठेगा आदमी। मैंने कहा था ना, ये वो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं जिन्हें मैं विशेष रूप से प्रणाम करते रहती हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बिल्कुल आगे आकर के बैठ गए हैं। देखिए अनामिका जी, एक्सपायर हो जाए दवाएं तो क्या हुआ, उनमें थोड़ा बहुत असर तो बचा ही रहता है, तो आप ऐसा मत सोचें और ज्यादा प्रणाम ना करें वरना। नहीं इमरान जी, ऐसा है, मैं उनसे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिनकी तरफ से आप कह रहे हैं मैं उनको यही कहूंगी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए। तो ऊर्जा को यदि सही जगह लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। वो बिल्कुल सही जगह लगा रहे हैं, ऊर्जा बिल्कुल सही जगह लगा रहे हैं। सुनिएगा, मैं गीत पुनः आपके बीच रखती हूँ, मेरा मन है गीत पूरा होने में। सुनिएगा कि प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। जो लोग प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे नौजवान साथी होते हैं जिन्हें कई बार उनसे बड़े
टूटते हैं टूटते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये बात आप अपने ध्यान में रखिए और गीत का पहला बंद मैं आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मन चाहूंगी बहुत बहुत कि लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, ये वो जादू जिस पे चला फिर उसका दिल पे वश न चला, ये वो जादू जिस पे चला फिर उसका दिल पे वश न चला। प्यार खता है परी खता, प्यार खता है परी खता, हाँ प्यार खता है परी खता, करना एक बात जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। कैसे दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, सुनिएगा। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो। मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में, मेरी आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। और गीत का अंतिम बंद, जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, जब वो दो लोग एक दूसरे के लिए किसी कारण कुछ नहीं कर पाते हैं तो कायनात उनके लिए करती है, सृष्टि उनके लिए करती है। ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए और मेरे गीत का अगला और अंतिम बंद मैं आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता, तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता। मौसम की क्यारी में सावन, मौसम की क्यारी में सावन, मौसम की क्यारी में सावन की बौछार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल। देख अनामिका जी, तेरी आंख में देख रहा हूँ टूट के गिरते तारों को, इसी तरह तो देखा होगा देवदास ने पारों को। कुछ और अच्छे अच्छे शेर सुना दें आप। बहुत ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं इनसे यही कहूंगी, इमरान जी फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना, और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। अनामिका जी के बारे में बता दूं कि ये हमारे बहुत अच्छे कवि मित्र हैं, सौरभ सुमन उनकी पत्नी से और मुनव्वर साहब ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि न कमरा जान खाता है ना अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है इमरान जी, भाभी को भाभी माँ मानते हैं और मेरा मन है कि आप भाभी माँ ही समझे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल मैं वही समझ रहा हूँ, वैसे भी कांटे भी दिए, गंध दिए हैं गुलाब को, मैं आज तक समझ नहीं पाया जिंदगी के इस हिसाब को, और जिसके सामने खुली पड़ी हो कई नई किताबें वो क्या करेगा पढ़कर इस पुरानी किताब को। तो आपको बढ़िया ये तो वही बात है ना, अंगूर खट्टे हैं सभी इस कहावत को जानते हैं। मैं यही कहूंगी कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विषैला ही देखा है। और अभी ये देवर भाभी कर रहे थे, मैं यही कहूंगी कि चंदन की वादी को भी विषैला ही देखा है, और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों
रिश्तों की बागडोर कि जिसने अपनी भाभी को भी लैला ही देखा है। मैं एक गीत जिसके लिए मुझे मंच से आदेशित किया गया है वो गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। बहुत खूबसूरत सा गीत आप पढ़ें। हमारे दोस्त हैं शकील आजमी, वो शेर कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। खूबसूरत सा गीत आप सुनाएं आदरणीय अनामिका अंबर जी, बहुत अच्छा पढ़े। माइक थोड़ा सा अनामिका जी का लोड नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है शायद, थोड़ा सा उसमें सरसराहट है। मैं अकेले काव्य पाठ कर रही होती तो ठीक था, मैंने भी साथ में बोलना है तो इसे ठीक। शुक्र है आपने हमें साथ रखा है किसी काम में, तो पढ़े आप। कुछ लोग जो जबरदस्ती साथ पीछे पड़ी जाते हैं तो उनको रख लेना पड़ता है। चलिए हम अपने कदम वापस खींचते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमें बहन जी मानने की आदत है। बहुत बढ़िया, आप काव्य पाठ का स्वागत है। सुनेगा अभी यहाँ से एक आवाज आई थी कि देश के लिए कुछ सुनाए, मैं अपना एक गीत जिसने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, यदि आप सभी की अनुमति हो तो एक गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। स्वागत है। शहीद के बेटे की दीपावली बहुत मार्मिक गीत है। मेरा मन है जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी से कोई भी पंक्ति इस गीत की ना छूट जाए। जितने बार मैं इस गीत को गाती हूँ मुझे लगता है मैं शहीदों की पूजा कर रही हूँ। आप इस गीत को यदि सुन रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप उस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं गीत आपके बीच रखती हूँ। दृश्य ये है कि दीपावली का समय है, एक 8 साल का बेटा अपनी माँ से उसके पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता, वो मौन शब्द आंगन में बैठी है। बेटा किस प्रकार प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौन शब्द बैठी है। यहाँ जितने लोग हैं मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे अपने बीच यहाँ बुलाया। ये गीत मैं आपके बीच रखती हूँ, दृश्य आपके बीच है, गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब शहीद हो गए हैं। वो अपनी माँ से प्रश्न करता है और माँ मौन शब्द आंगन में बैठी है। थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। स्वागत है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि पिताजी अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देख रहा होता है, अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। स्वागत है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को अब तक कोई उत्तर नहीं मिलता, बेटा अपनी माँ से
खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बात, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बात। और विडम्बना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जब पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद और उस बेटे का, उस 8 साल के बेटे का उत्तर मैं आपके बीच रखती हूँ, उसका प्रति उत्तर आपके बीच रखती हूँ। यदि आपको लगता है कि उसे यही कहना चाहिए था तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उसे आशीर्वाद दें। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा।